ले लूं क्या? दिस इज नाइस, वाला शेड चाहिए था बट कोई नहीं, अभी देखती हूँ। आते पे पेट पूजा करते हैं हम लोग हैं। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं, जिस दिन से मैंने शायद ये चैनल बनाया, पहली बार मैं सरोजनी का विजिट करने आई हूँ। तो आज हम सरोजनी नगर आए हैं, वो भी मेरे एक फ्रेंड की वजह से, वरना हम तो शायद कभी नहीं आ पाते। रवि जी मुझे शायद कभी नहीं लेके आ पाते, साथ तक सो रहा था। ऐसे बांध लो, हाँ भाई, इसमें पैसे हैं। पैसे हैं क्या? हाँ, 1000 रुपीज में आउटफिट बनाना है मुझे पूरा। पूरा? हाँ पूरा, मतलब उसमें टॉप बॉटम भी होगा, टॉप भी होगा, मतलब चाहे वो एथनिक है चाहे वो वेस्टर्न कोई भी हो, साथ में फुटवेयर भी होगा मेरा भी, प्लस ज्वेलरी होगी, मेरे कपड़े भी ले लियो दोनों के, 1000 रुपीज में हम दोनों के रख ना। अच्छा, तब तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। पूछ के क्या गए थे और हुआ क्या? मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ करूंगी, आउटफिट बनाऊंगी, ये करूंगी, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी और वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी। तो वैसे मैंने 2-4 चीजें ली थी वहाँ पे, लेकिन चलो देखते हैं क्या हुआ। 1000 रुपीज से सार्थक के आ सकते हैं क्या? सार्थक दुखी है सो गया था। चलो बहुत लंबी बात हो गई, अभी पहुँचते हैं बस। आते पे पेट पूजा करते हैं हम लोग। अब हम गोवा जाएंगे ना, तो तब के लिए क्यूट है यार। यहाँ पर ज्वेलरी मिल रही थी, कंगन वगैरह 100 रुपीज के, 50 रुपीज के, काफ़ी अच्छे कंगन ज्वेलरी सेट्स ये सब मिल रहे थे, बट हमने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कहीं अच्छे हैं, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या हुआ, कवर चाहिए तेरे को फोन का? दूसरा चाहिए। क्यों? दिखा कौन सा कवर है। सैमसंग है ये? हाँ, मेरे को आज है तो साइज ना। इसमें छोटा पीस दे दो, बहुत सुंदर है। छोटा कहाँ से? मतलब ये चीज टू है ना, ये चेस्ट जो है ना, ये कमर तो हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, पर ये चीज वो ऐसे रहेगी। 40 नंबर नहीं है क्या? बहुत सुंदर है। वाला शेड चाहिए था बट कोई नहीं, अभी देखती हूँ, हो सकता है मैं ये भी ले जाऊँ। माय गॉड ब्यूटीफुल यार ये मुझे। हैंड बैग शोल्डर बैग्स भी काफी अच्छे अच्छे रेंज में मिल रहे थे वहाँ। क्या क्या ठूस लिया तुम लोगों ने? हले कितने बड़े भुक्कड़ हो तुम। भैया से मैंने पैंट लिए और ना, सुनो सुनो सुनो, देखो अभी चैलेंज में से 150 रुपीज ना मैंने ले लिया, बॉटम मेरा हो गया, अभी टॉप और फुटवेयर एंड वो बाकी है, तो आ जाओ वो भी चाहिए। इसके ऊपर के लिए ले लूं? ठीक है। ये रुमाल का कपड़ा है क्या? ले लो ले लो ले लो, काजल लिपस्टिक डरा दिया। डरा क्यों रहा भैया? सुंदर सुंदर ब्रालेट, शेप वेयर सब कुछ था, इतना सुंदर सुंदर था, लेकिन मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जरूर जा करके लेके आऊंगा। हाँ, इसके लिए ड्रेस ले रही हूँ। ये तो डोरमेट लेने आई है यहाँ पे, तो डोरमेट लेने आई है। चाटा मारूंगी तेरे। डोरमेट लिया है, ये अच्छे हैं यार, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार। मैडम परफ्यूम पागल हो गया। ये वाला अच्छा ले लो ले लो। अरे परफ्यूम तो ले लो पहले। बहुत स्मार्ट लग रहा है इसके। तेरे 1000 रुपए वाला जो टारगेट था वो, तेरे 1000 रुपए वाला टारगेट मेरे लिए तो इसका है। ये तो लिया है क्या? अच्छा, ये भी लेने आई थी क्या? मैं सोचा डोरमेट लेने आई है। पैसे नहीं चाहिए इसको, ये इज्जत की सवाल है। वीडियो में यूँ कह दूंगी, मैंने भी बार्गेनिंग की, 10 रुपए दे दो। बार्गेनिंग पहले करनी थी, खरीदे करते हो। नहीं होती मेरे से यार। अच्छा आपकी और पक्का करो, चल मैं करूँगी तो चल। हाँ ये करेगी, चल देखते हैं तेरे को। मैंगो ब्रांड का ही रियल में है, ये थ्रिफ्ट पीसेस होते हैं ना, ये मैंगो का ही। मैंगो नहीं तो आप उसका वो निकाल के देख लेते हैं। एप्पल के भी आते हैं क्या? अभी रियली में यार, मजाक समझ लो।
मैं ये देख रहा हूँ कितना ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा है यार, इतने ऊंचा भी है मैं पक्का ले लेती हूँ, लेकिन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। अरे हो गया तुम्हारा है? हो गया, ये मैं वापस रखती हूं। कुछ लिया नहीं लिया? ले लिया, दो टॉप लिया। दिखाओ। लाते दूसरी कहाँ? कहाँ लिया? दिखा। नहीं ऐसे नहीं दिखाऊंगी, लास्ट में दिखाऊंगी। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाएगा, अपन नहीं बताएगा। देख लियो। अगर आपको जानना है कि मैंने सरोजनी नगर में क्या क्या खरीदा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और कमेंट भी कर देना कि आपको चाहिए वो वीडियो कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, मेहनत लगेगी उसमें। क्या हो गया भैया? हमसे कोई नहीं कम कर रहा हो गया? तुम टाइम टाइम फिक्स करके मानोगे हैं, तुम खरीद के लेते हो, पहले करवाया करो ना। कभी सरोजनी नगर नहीं गए हैं या फिर गए हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए क्लिप कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताना। इसके बाद हम बीकानेर गए थे कुछ खाना वाना खाने, और बीकानेर खाना खाने के बाद में बीकानेर रेस्टोरेंट, ना कि बीकानेर गए थे उसके बाद में हम गए थे क्लब, रफ्तार क्लब, जो कि वहीं पर ही था, पास में ही, पंजाबी बाग। पहले सरोजनी गए, पंजाबी बाग तो पास में ही पड़ता है, तो पंजाबी बाग चले गए थे। और लीजिए, इंजॉय करो ये वाली क्लिप्स। देखा है कि बच्चों के लिए एंट्री अलाउ है वहाँ पे, सब बच्चे फैमिली पूरी जा सकते हैं और बहुत ही फैमिलियर सा माहौल है वहाँ पे, सो आप लोग भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सार्थक ने तो फुल लॉन एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सार्थक को इतना एंजॉय करते देखकर। सार्थक के पापा, मैं और हमने वहाँ पे नए दोस्त भी बनाए, हम सब ने मिलकर साथ में एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा था। आप देख ही सकते हो सब कितना मजा कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। सच में यार, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो मजा आता है वो कहीं पे भी मजा नहीं आता। आई लव इट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो एक दोस्त की जगह ले लेते हैं, तो मुझे भी वही फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी सार्थक के साथ। आप सभी को कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट डाउन, और लाइक कर देना वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो।